तो है गाइस क्रेजी गेमर्स बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। गाइस देखो पूरा गेम प्ले देखो या ना देखो, लेकिन भैया ये वाली फाइट आप लोग जरूर देख के जाना जो इस वाली जगह में होगी, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक फाइट हुई है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ लैंड करते हैं, मेरे को उतरते दो दो M4 मिलती है। Watch out! मेरे आगे बंदा है, ये वेस्ट नहीं है। Marked a location. भाई मेरे को कद्दू समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किस स्क्वाड की कितने लोंडो की पेटी बना दी है। बस मेरे को इतना पता भैया मेरे 6 किल हो चुके हैं और सामने की तरफ साथ से मैंने एक बंदे को नॉक किया, तो मैं उसको फिनिश करने जा रहा हूँ। Marked a location. उसको छोड़ दो, वो नहीं देखेगा, वो जान के लिए। Enemies ahead. Enemies ahead. भाई साहब तुम सिचुएशन देख रहे हो क्या रखी थी भाई, मेरे टीममेट की HP देखो तुम, और यहाँ पे पता नहीं मेरे को कौन बंदा कहाँ से नॉक कर देता है। मैं तो भाई इस टीम के लास्ट बंदे को देख रहा था। अब खैर यार जो भी हो, यहाँ पे एक टीम की तो पेटी बन जाती है, दूसरी टीम आती है हम लोग के ऊपर थर्ड पार्टी करने के लिए, आदि उसके दो बंदे को नॉक कर देता है और भी बंदे बाकी हैं अभी इस टीम के। अब देखो ऊपर से निकलने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से भैया बंदे जाते हैं ऊपर दूसरी दुनिया में। और भाई ये बंदा भी दूसरी दुनिया में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा भाई उस बंदे को देख लेता और इस बंदे को मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और तभी तभी मेरे को इस टीम का एक बंदा और दिखता है, उसको मैं यहाँ पे नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ। और इस बंदे को भी अभी फिनिश नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि भैया हम लोग को लग रहा था कि इसके बंदे आसपास में होंगे तो उसको बचाने आएंगे, एक बंदा तो आया ही था। अब यहाँ पे देखो इसका बंदा तो आता नहीं, तो हम लोग इसकी पेटी बना के पोचिंग की वाले ये वाली जगह पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं तभी तभी भाई मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको कि तुम्हारा भाई पेल देता है, और यहाँ पे ये अकेला ही बंदा था, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं।
अब देखो इन दोनों बोटों की पेटी बना के मैं पोचिंग की से निकल ही रहा था, तभी मेरे को सामने की तरफ में एक बंदा दिख जाता है और मैं टीममेट से बोलता हूँ कि भैया वहाँ की तरफ बंदा है, लेकिन ध्यान दो भैया मेरा माइक ही नहीं खुला और मेरे टीममेट को पता ही नहीं था कि यहाँ पे बंदा, और उसके साथ देखो क्या होता है। और भाई मेरे को अब जाके पता लगता है कि भाई मेरा माइक खुला ही नहीं है, इसलिए मेरा टीममेट जो है नॉक हो गया और उसको कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पर भी बंदा है। अब देखो यार इस वाले गेम में हमारी आगे जाने के बाद बहुत ही खतरनाक तरीके से पेटी बन जाएगी, वो मेरी वजह से बनती है क्योंकि भैया मेरा नेट नहीं चलता है, इसलिए मेरा टीममेट भी पिल जाता है। अब खैर यार देखो उस वाले गेम में तो हमारी पेटी बन गई, लेकिन बात करते हैं अब इस वाले गेम की, तो गाइस ये वाला गेम बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस वाले गेम में तुम्हारा भाई खेल रहा है रैंडम के साथ और इसमें एक गर्ल गेमर भी है, नाम पढ़ो जरा सही से। अब देखो गन वगैरह लूट के मैं सीधा आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक फुटस्टेप आता है ऊपर की तरफ से, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा आया था जो कि इसी वाली बिल्डिंग में रहता है, तो भैया फटाफट इसके ऊपर रश करते हैं क्योंकि हमारे टीममेट तो आ ही नहीं रहे हमारे साथ। अब देखो अपार्टमेंट से निकलने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं एक फ्लैट ड्रॉप पे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को कोई भी फुटस्टेप नहीं आते और कोई भी बंदा स्पॉट नहीं होता, और इतने में यहाँ पे एक फ्लेयर और चल जाती है। पता नहीं भैया कौन सी दुनिया से ये फ्लेयर चल रही है, हमें तो कोई बंदा स्पॉट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो हम लोग बहुत देर तक वेट करते हैं कि भैया हम लोग को कोई बंदा दिखेगा, लेकिन कोई भी बंदा हम लोग को यहाँ पे नहीं दिखता और हम लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी मेरे को ये वाले घर में एक बंदा स्पॉट हो जाता है जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। भाई साहब तुम देख रहे थे बंदे क्या ही खतरनाक तरीके से कैम्प कर रहे यार। अब देखो गाइस इन बंदों की पेटी बनाने के बाद हम लोग वापस से आ जाते हैं अपार्टमेंट में, और तभी मेरे को सामने की तरफ एक गाड़ी और एक बंदा दिखता है, लेकिन भैया गाड़ी वाले बंदे को एक बंदे ने पेल दिया है और अब बच चुका है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, तो फटाफट उसके ऊपर रश करते हैं। अब भाई पहले तो मेरे को लग रहा था ये बंदा नॉक वॉक होगा, इसके टीममेट वीमेट आएंगे हम लोग के ऊपर रश करने, लेकिन भैया नहीं, ये तो सोलो वर्स स्क्वाड खेल रहे थे यार। अब देखो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं एक और फ्लेयर ड्रॉप पे, भाई पता नहीं यहाँ पे कितनी फ्लेयर चली है, लेकिन भैया सामने की तरफ अभी कुछ बंदे हम लोग को नहीं दिखे, लेकिन फ्लेयर दिख चुकी है और यहाँ पे हमारा नेट जो है नस दे रहा है हम लोग को, देखते जरा क्या होता है। भाई यहाँ पे दिखे तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे, और इन दोनों बंदों की हम लोगों ने पेटी बना दी है, लेकिन नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि ये दोनों बंदे नॉक हुए, तो भैया फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कहाँ से कौन बंदा मारेगा हमें। अब देखो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग अपार्टमेंट साइड अपनी गाड़ी लेके आते हैं, और तभी मेरे को राइट की तरफ में ये गाड़ी दिखती है।
अब यहाँ पे देखो वो गाड़ी वाले बंदे तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टीम रहती है जिनसे हमारी फाइट हो जाती है। और मैंने एक बंदे को बहुत ही खतरनाक डैमेज दिया था, लेकिन थर्ड नंबर वाले टीममेट ने मेरा किल चुरा लिया। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, रश करते करते शायद से वो बंदा रिवाइव भी हो जाएगा। और भाई जैसा कि बोला था बंदा रिवाइव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक गाड़ी और आ चुकी है। और भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा आया था गाड़ी से, इसका एक बंदा कहाँ रहता वो हम लोग को नहीं पता। लेकिन इसकी पेटी लूट के हम लोग यहाँ से निकलने लगते हैं हील विल करके, तभी यहाँ पे मेरे को एक बंदा और दिखता है। देखो बस अब देखो स्कूल वाले लोंडो की पेटी बनाने के बाद यहाँ से हम लोग जा ही रहे थे सामने की तरफ, क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं था, ये गाड़ी चाहिए थी हम लोग को। लेकिन इतने भैया कोई चलती गाड़ी में से मेरे को कोई शॉट मारता है कार 98 M24 या फिर AWM का, भाई कुछ भी कहो बंदा बहुत ही खतरनाक खेल रहा है। और भाई मेरे टीममेट को वो बंदा दिख भी चुका है। अब भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदे कौन कौन सी दुनिया से आ रहे हैं। भैया मैं तो स्कूल वाले बंदों के ऊपर रश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक टीम आ जाती है जो कि मेरे टीममेट को पेल देती है। वो तो अच्छा हो कि मैंने सही टाइम पे उन बंदों को देख लिया और भाई पेल दिया दोनों को। अब देखो मेरे टीममेट को रिवाइव देने के बाद मैं जा रहा था स्कूल वाले बंदों को देखने के लिए, लेकिन भैया मेरे को क्या पता था कि वो स्कूल वाले बंदे यहीं पर आ चुके हैं। देखो enemies ahead enemies ahead। और भाई सच में यहाँ पे मैं जो बचा हूँ ना भाई वो मेरे को ही पता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी भाई। वो बंदे ने पता नहीं भाई मेरे को कैसे फिनिश नहीं किया यार। और भाई सच में मेरे टीममेट के लिए एक लाइक तो बनता है। और भाई चैनल पर नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना आप लोग, क्योंकि भैया मैं ऐसे ही गेम प्ले अपने चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ। और बेल आइकन को ध्यान से प्रेस करना। अब देखो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद पीछे की तरफ एक सरकारी ड्रॉप आता तो मैं उसको लूट के यहाँ से निकल ही रहा था, लेकिन तभी मेरे को राइट की तरफ में कुछ बंदे दिख जाते हैं। तो भैया देखो यहाँ पे एक बंदा बहुत ही खतरनाक तरीके से कैम करेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ से। भाई साहब देख रहे हो बंदूक को, भाई क्या ही खतरनाक तरीके से लेटा था ये बंदा, तो सच में पेटी बना देता किसी ना किसी की। और भाई लास्ट के तीनों बंदे हम लोग को यहीं पे दिख जाते हैं पानी के आसपास में, और भाई फाइनली हो जाता है हमारा इजी चिकन डिनर। तो गाइस आप लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी वो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में यार, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस। और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।